आगे बढ़ते हैं। मुल्क में डेंगू के वार तेज, लाहौर में कातिल मच्छर ने एक और जान ले ली। मुल्क में डेंगू से जान बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ 459 अफराद वायरस का शिकार बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में 156 और इस्लामाबाद में 146 शहरी मुतासर हुए। सिंध में 62 केसेज रिपोर्ट हुए, 31 का ताल्लुक कराची से है। और शहर में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 62 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 31 केसेस का ताल्लुक कराची से है। मज़ीद बात करेंगे, मरियम हसन हमारे साथ हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो सिंध भर में 62 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं डेंगू वायरस के, जिनमें से तकरीबन 31 केसेस का ताल्लुक जो है वो कराची से है, जबकि 19 केसेस का हैदराबाद, 9 केसेस का मिटियारी, जबकि 3 केसेस जो हैं थरपारकर और मीरपुर खास से जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 1229 केसेज जो हैं वो सिंध भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह की अगर हम बात करें तो 603 केसेज जो हैं माह सितम्बर में डेंगू वायरस के रिपोर्ट किए गए थे। याद रहे कि मानसून के बाद का सीज़न जो है वो डेंगू वायरस की अफजाइश का, डेंगू मच्छर की अफजाइश का जो है वो सीज़न होता है, और यही वजह है कि इन दिनों हमें दिख रहा है कि डेंगू वायरस के केसेस में जो है बतदरीज इजाफा जारी है। अगर बात की जाए अमवात की, तो रवा साल 2021 में 6 अफराद जो है डेंगू वायरस के सबब जो है जान की बाजी हार चुके हैं। अगर किसी भी शख्स सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।